भोपाल के इटखेड़ी इलाके में फार्म हाउस में बने कच्चे मकान में रह रही महिला की सर्पदंश से मौत हो गई है। घटना मंगलवार बुधवार रात करीब 12 बजे उस दौरान हुई जब महिला जमीन पर लगे बिस्तर में सो रही थी। सर्पदंश के बाद तबीयत बिगड़ने पर महिला का पति उसे 2 निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं किया। आखिरकार झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास जाना पड़ा। बाबा ने बताया कि इस बार देवता को उसने राखी नहीं बांध पाई है, गलती की है, इसीलिए उसे सर्प ने डसा है। महिला ने बाबा के इस दावे पर सिर हिलाया, थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। इटखेड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घासीपुरा में गुड्डू मियां के फार्म हाउस में गंगाराम अपनी पत्नी रेखाबाई उम्र 45 वर्ष और 6 बच्चों के साथ रहते हैं। गंगाराम ने बताया कि मंगलवार बुधवार की रात फार्म हाउस में बने मकान में सभी लोग सोए हुए थे। रात करीब 12:30 बजे पत्नी ने बताया कि उसके पैर में काट, थोड़ी देर बाद उसे बिस्तर के पास से ही सांप जाते हुए दिखा। वे लोग कुछ समझ पाते कि पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। तड़के 4 बजे उसे लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज करने से मना करते हुए चिरायू अस्पताल लेकर जाने के लिए कहा। गंगाराम ने बताया कि बुधवार सुबह चिरायू लेकर पहुंचे, यहां भी डॉक्टरों ने इलाज करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होता है। तब राधाबाई ने बोला कि हमें लीलावती अस्पताल लेकर चलो, भले ही हमारी मौत हो जाए। दोपहर में पत्नी को गंगाराम वापस लीलावती अस्पताल लेकर आया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। इस पर गंगाराम ने डॉक्टरों से कहा कि वह पत्नी को बीनापुर गांव में झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले जाएगा। दोपहर करीब 2:30 बजे बाबा के पास लेकर पहुंचे। बाबा ने झाड़ फूक शुरू ही किया था कि महिला ने दम तोड़ दिया। गंगाराम ने बताया कि पत्नी के गले में देवता बैठ गए थे। वह बाबा के मुंह से बोले कि इस बार तुमने गलती की है, राखी नहीं बांधी। पत्नी ने भी बाबा की इस बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। उसने माफी भी मांगी, लेकिन जान नहीं बच सकी। झाड़ फूक के दौरान ही रेखाबाई ने दम तोड़ दिया। गंगाराम ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी 19 साल की है, 6 बच्चों में अभी किसी की शादी नहीं हुई है। गंगाराम को 6,000 रुपए हर माह गुड्डू मियां मेहनताना देता है, इससे उनके परिवार का खर्च चलता है। साहब 16 से 17 रात के सांप ने काट लिया, उन्होंने देखा, मुझे देख नहीं पाया। यहाँ लीलावती में 5 बजे से पहले था, 4:30 बजे वो कहने लगे आसमानी कार्ड आपका लगेगा नहीं। जिनके साहब हमारे कहने है भी नहीं, कहने लगे आप मां ले जाओ किराए में। किराए वाले कहने लाए तो किराए वाले भी कहने लगे आसमानी कार्ड लगेगा नहीं आपका, यहाँ इलाज नहीं होगा। कहने लगे तुम माँ भेड़ागर ले जाओ, भेड़ागर के अस्पताल में। हम बीनापुर ले गए बाबा के यहाँ। हम 2:30 बजे 1:30 बजे वहाँ से डिक्चर में इनके सब कहने लगे अपन झड़वा लें, झड़वाने से सही हो जाए।